वेलकम टू हॉट पॉट फूड्स यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन बनाने जा रहे हैं हलवा पूरी और चने, और इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे पास 2 कप मैदा है, तो ये दूसरा कप भी इसमें ऐड कर देते हैं। हमारे पास 1/2 टीस्पून के बराबर सॉल्ट है, इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून के बराबर हम लोग इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 2 चुटकी है ये। 1 टेबल स्पून इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे, जो दही डाला है उसको अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। दही से पूरी जो है वो सॉफ्ट बनती है। थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे, नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंदेंगे। आटा हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे, ऑयल डाला है और इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे। इसको मसलते हुए स्मूथ कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको इस तरीके से गूंद लेंगे, जब तक ऑयल जो है वो इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। इसके ऊपर सारा अच्छे तरीके से ऑयल लगा देंगे। इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देते हैं कवर करके। आधा घंटा हो चुका है, अभी इसको हटाते हैं और इसके पेड़े रेडी कर लेते हैं। ये इसके पेड़े उतार के रेडी कर लेंगे। इतने साइज के पेड़े रेडी कर लेते हैं इसके। हमने सारे पेड़ बना के रेडी कर लिए हैं, अभी सभी पेड़ों के ऊपर इस तरीके से ऑयल लगा देंगे। सभी को हमने ऑयल लगा दिए, अभी इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम कवर करके छोड़ देते हैं। पेड़े हमारे सेट हो चुके हैं, तो अभी इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। नीचे सरफेस पे पहले ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। किनारों को पतला कर लेंगे हाथ की मदद से इस तरीके से। पूरी को हमने इस तरीके से पतला सा बेल लिया, ये देखें। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसकी साइड को चेंज करेंगे, कलर आ चुका है और अभी इसको निकाल लेते हैं। इसकी साइड चेंज की है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखें कितना जबरदस्त सा गोल्डन कलर आया है। देखिए दूसरी पूरी को भी हमने इसी तरीके से फ्राई कर लिया, इसकी साइड चेंज करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। पूरी के लिए हम चने बनाने जा रहे हैं, तो उसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाले के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। एक छोटी साइज़ की हमारे पास टमाटर है, जिसको हमने इस तरीके से काट लिया। एक छोटी साइज़ का हमारे पास प्याज था, इसको भी इस तरीके से हमने काट लिया। 3 से 4 जो है लहसुन के थे, और इन तीनों चीज़ों को हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मसालों में हमारे पास है 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है, और 1/4 टीस्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर है। तो चलिए इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे एक पैन में, इसके अंदर टमाटर प्याज और लहसुन की जो पेस्ट है इसको इसके अंदर डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। इस मसाले की भुनाई करेंगे थोड़ी सी,
तकरीबन 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। अभी इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाला यहाँ पर हमारा भुन चुका है, इसके ऊपर ऑयल आ गया, ये देखें। इस टाइम पे यहाँ पर हमने चने लिए थे, 1 कप के बराबर ये चने थे, इसको हमने बॉईल कर लिया। अब इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें 1/2 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर चने डालने के बाद इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। यहाँ पर एक छोटे साइज का आलू लिया था और इसको इस तरीके से क्यूब में काट के इसको बॉईल कर लिया था, इसको ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल बाजार की तरह के चने बनके रेडी हुए हैं। 5 मिनट के लिए इसको हम कुक कर लेंगे। क्विक रेसिपी है ये चनों की, स्पेशल पूरी के लिए ये चने बनते हैं। लीजिए, ज़बरदस्त से हमारे पूरी के चने बनके रेडी हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बहुत ज़बरदस्त है हमारे हलवा पूरी और चने बनके रेडी हैं। हलवे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये मैंने पहले आपको बनाना सिखा दिए। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी पूरियाँ बनके रेडी हुई हैं, सॉफ्ट और क्रिस्पी हैं, ये देखें इजीली फोल्ड हो रही हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।